हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओ अकेडमी में। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का पीएचडी का कोर्स वर्क का सिलेबस है ये, जिसमें हम पेपर एडवांस कोर्स का ही देखेंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस है ना, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सिलेबस इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पेपर होता है उसका सिलेबस का वीडियो बना दिया है, इवन कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी वीडियो बन चुका है सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हो या कि फिर जो भी सिलेबस आएगा उसका वेट कर सकते हो। तो चलो हम देख लेते हैं। इसमें हम दो चार या पांच वीडियो कवर करेंगे, मतलब पांच चार या पांच सब्जेक्ट्स कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, जो इसका क्रेडिट रहता है 3 का रहता है। ठीक है, चलो ये जो सब्जेक्ट है क्या है, स्टैटिक्स का रहेगा। इसके बाद एक एक करके हम सभी जितने भी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे इस वीडियो में उतने सब्जेक्ट्स को हम वीडियो इसका सिलेबस बना देंगे। ठीक है ना, चलो तो ये है क्या है, थर्ड पेपर है, एडवांस कोर्स इन स्टैटिक्स, जिसमें हम इसमें 5 यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना, जैसे डेमोग्राफी हो गया, मेजरमेंट ऑफ मॉरलिटी एंड ऑफ फर्टिलिटी है ना, एज पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी, एम्पेरिकल पैटर्न फर्टिलिटी है ना, ये सब आपको देखना होगा। वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा, इसलिए जैसे थोड़ा थोड़ा करके रीड करूँगी और साथ ही साथ में आप लोग अपना देख लेना। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन अच्छे से। सेकेंड यूनिट है, अपन ने फर्स्ट यूनिट में क्या देखा था, डेमोग्राफी। ठीक है ना, डेमोग्राफी इसमें क्या देखेंगे, सेकेंड यूनिट में क्या देखेंगे, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें जनरल थ्योरीज पढ़ेंगे, रिव्यू ऑफ कंट्रोल चार्ट्स एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल्स OC एंड ARL ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, ये सब आप देख लेना। इसी प्रकार से थर्ड यूनिट है ये करके स्क्रॉल कर रही हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाओ। फोर्थ यूनिट है और ये है फिफ्थ यूनिट, सैम्पलिंग टेक्निक्स, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन है, सैम्पल, नीड फॉर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स है ना, गुड सैम्पल्स क्या कहलाता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद द विदाउट द रिप्लेसमेंट है ना, और ये पूरा इतना सिलेबस है और रेफरेंसेस बुक दी गई हैं जिनमें से आप इनको ले सकते हैं। इनमें जो भी बुक आप प्रेफर करते रहे होंगे पीजी में वही बुक ले लेना। ठीक है, चलो ये स्टैटिक्स कंप्लीट हुआ सिलेबस। अब हम सेकेंड कोई और सिलेबस देख लेते हैं, एक मिनट। ये फिजिक्स का एडवांस कोर्स इन फिजिक्स है, ये सिलेबस है इसका। ठीक है, इसमें क्रेडिट 3 रहेंगे। मैं बता दूंगी, सेपरेट वीडियो बना दूंगी इसका कि कितने मार्क्स का कैसा क्या रहता है, मार्कशीट कैसे बनती है, सारा कुछ बता दूंगी। तो चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें आप पॉइंट एंड स्पेस ग्रुप पढ़ेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे है ना, ये बहुत सारा है। अब हम देखेंगे सेकेंड यूनिट में मेनी बॉडी प्रॉब्लम्स, द मेनी इलेक्ट्रॉन एटम्स है ना, वन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशंस, ये सारा कुछ है इसमें। और सुपर कंडक्टिविटी, इसमें आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, सुपर कंडक्टिविटी टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड है ना, कंडक्टर्स एंड हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी, ऑक्साइड्स, ऑर्गेनिक एंड इंटर मेटेलिक है ना, सुपर कंडक्टर्स, सब आप देख लेना अच्छे से। आपने वैसे भी पीजी में पढ़ा होगा MSc के टाइम में, वही सब कुछ है। और ये लास्ट यूनिट है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जिसमें सिंथेसिस टेक्निक्स हो गया, बल्क एंड थिन फिल्म्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, अल्ट्रा प्लस मैथड्स हो गया, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है ना, बुक रिकमेंड करी गई है, इनमें से कोई बुक आप ले सकते हैं। चलो ये फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ धीरे धीरे, जिससे आपको अच्छे से दिख लेना आप लोग। चलो कंप्लीट हुआ। ये जियोलॉजी का है, जियोलॉजी है ना, भूगर्भ विज्ञान कहते हैं इसमें। क्रेडिट 3 का रहेगा। ठीक है, इसमें भी 5 यूनिट्स रहेंगी। पहला यूनिट रहेगा एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग है ना, इमेज इंटरप्रिटेशन एंड GIS एप्लीकेशंस
फंडामेंटल ऑफ जीपीएस एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड यूनिट की बात कर लेते तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स एंड रॉक इन द फील्ड लेबोरेटरी, क्लासिफिकेशन ऑफ द है ना सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स, आपको तो सारा कुछ देखना होगा सेकेंड यूनिट में। इसी तरीके से थर्ड यूनिट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, मिनरल है ना क्लासिफिकेशन और गाइड्स, करंट इन्वायरमेंटल इशूज रिलेटेड टू वाटर एंड सॉयल एंड एयर कॉज एंड रिमेडियल मेजर्स। इसी तरीके से फोर्थ यूनिट है ना हाइड्रो जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, वाटर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। ये पूरे फिफ्थ यूनिट तक, सॉरी इसमें तो फोर्थ यूनिट है बस, और पता नहीं है पाँच यूनिट तो होती हैं लेकिन इसमें फोर्थ यूनिट है, चलो देख लेना आप लोग। ठीक है ना, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना, एडवांस कोर्स है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 credits का होता है ये। चलो अब हम देखेंगे क्या है फर्स्ट यूनिट, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग फर्स्ट यूनिट है ये। इसमें आप इंट्रोडक्शन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एप्लीकेशन नेटवर्क है ना टर्मिनोलॉजी क्लाइंट सर्वर कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल रिपीटर राउटर टाइप्स ऑफ नेटवर्क लैन वैन नेटवर्क टोपोलॉजी मेस रिंग बस स्टार ट्री OSI रेफरेंस मॉडल मॉड्यूलेशन एंड PCM TDM FDM। ये सब आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट में जिसमें डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है। फिर इसको सेकेंड यूनिट है सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, क्या बोलते हैं इसको ट्रांसड्यूसर, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है चलो, इंट्रोडक्शन है सेंसर है ना एक्टिव पैसिव और डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट स्ट्रेन गॉज फोर्स बैलेंस है ना ट्रांसड्यूसर क्या बोलते हैं मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ, थिन फिल्म प्रेसर ना, ये सब आप देखोगे सेकेंड यूनिट में। अब हम थर्ड यूनिट में देखेंगे क्या ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, डिफ्रेंसिएशन एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओप एम्पलीफायर आइडियल है ना ओपी विद द ओपी एएमपी विद फीडबैक प्रैक्टिकल ओपी एएमपी एक्टिव एंड एक्टिव फिल्टर्स ना स्पेशल पर्पस एम्पलीफायर, ये सब अभी तो सारा देखना होगा आपको। और फोर्थ यूनिट में है इतना सारा माइक्रोवेव सिस्टम है माइक्रोवेव जनरेटर है रिफ्लेक्स है ये सारा कुछ है। और फिफ्थ यूनिट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गामा रेज एक्सरेज अल्ट्रावायलेट रेज विजिबल लाइट इंफ्रारेड रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स वेरी लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स है ना प्रोपोगेशन एंड करेक्टरिस्टिक VLF ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है ना अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स एंड प्रपोगेशन करेक्टरिस्टिक, ये आप रिकमेंडेड बुक हैं आप इनको देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है ना, चलो अब हम देख लेते हैं आगे। ये केमिस्ट्री का है जिसमें जो कि एडवांस कोर्स है ना केमिस्ट्री क्रेडिट 3 रहेगा, ये कोर्स वर्क का सिलेबस रहेगा। ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारा कुछ इसमें केमिस्ट्री है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग एंड थ्योरीज है ना ये सारा कुछ आएगा। एंड सेकेंड यूनिट में फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें केमिकल एंड स्टैटिकल थर्मोडाइनमिक्स फेज इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पॉलीमर केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स। और अब हम आ जाएंगे थर्ड यूनिट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक मिनट मैं धीरे करके स्क्रॉल कर देती हूँ जिससे आप लोग अच्छे से देख लो सिलेबस। चलो प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रो स्टीरियो केमिस्ट्री एंड कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिक्स प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री फ्री रेडिकल रिएक्शन
केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एंड एज अ स्टेरॉयड है ना, एल्कलॉयड एंड अ टर्पिनॉयड, पेप्टाइड्स एंड अ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एंड एलिफेटिक हेट्रोसाइकल कंपाउंड्स। अब आ जाएंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में, इसमें डेटा एनालिसिस हो गया, सेपरेशन एंड टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रो ना थर्मो एनालिटिकल मेथड्स, फिजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय IR रमन, NMR, EPR, मास बार, UV, NQR, MS, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ यूनिट है, ये टॉपिक हैं जिसमें आपको केमिस्ट्री इन द नैनो साइंस टेक्नोलॉजी, ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पांच यूनिट हैं, सभी पांच यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं। रेफरेंसेस बुक है, फिजिकल के लिए कौन सी बुक लेना है, ऑर्गेनिक के लिए कौन सी लेना है, ये सारा कुछ अपने बताया गया है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए कौन थी, अरियंत पब्लिकेशन, CSIR नेट, केमिकल साइंस, इसका ले सकते हैं। चलो अब हम दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट बचा, ये कंप्यूटर साइंस का है जिसमें PhD कोर्स वर्क क्रेडिट फ्री मिलेगा। ठीक है, का सिलेबस है ये, मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस बता दिया है सभी सब्जेक्ट का, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का बता दिया। यूनिट फर्स्ट है, डेटा माइनिंग है ना, इसमें सारा कुछ है, तो सारा देख लेना आप लोग। यूनिट सेकेंड में है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। यूनिट थर्ड में है IoT, और यूनिट फोर्थ में है बिग डेटा एनालिटिक्स, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ बिग डेटा, है ना, ये सारा कुछ दिया गया है, आप लोग देख लेना। और ये है फिफ्थ यूनिट, है ना, MATLAB क्या होता है, राइटिंग प्रोग्राम विथ लॉजिक एंड द फ्लो कंट्रोल, और राइटिंग फंक्शंस, है ना, एंटरिंग कमांड्स एंड क्रिएटिंग वेरिएबल्स, एनालाइजिंग वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स, है ना, विजुलाइजिंग वेक्टर एंड मैट्रिक्स डेटा, वर्किंग विद द डाटा फाइल्स, वर्किंग विद द डेटा टाइप्स, है ना, ऑटोमेटिक कमांड्स विद द स्क्रिप्ट्स। ये रेफरेंसेस बुक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। एक मिनट अच्छे से कर देते हैं, फिर देख लेना। ठीक है, चलिए